हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल फिल्मी बॉक्स ऑफिस पर। तो बात करने वाले हैं आज इस वीडियो में एक बार फिर से हाल फिलहाल रिलीज हुई फिल्म लव हॉस्टल को लेकर, जो कि काफ़ी डिमांड में चल रही है अभी भी। और खास बात जो है फिल्म को लेकर वो ये है कि रेटिंग इसकी एक बार फिर से अपवर्ड्स जा चुकी है। जी हाँ, इसकी जो रेटिंग है अब हाल फिलहाल वो है 7+। जी हाँ, कहाँ इसकी रेटिंग 4.9 तक आ चुकी थी। बहुत अच्छी बात है। अब बात करें फिल्म को लेकर, फिल्म एक क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज की तरह है। आपको पसंद आएगी ये मूवी, जो कि प्रीमियर कर रही है जाने माने OTT प्लेटफॉर्म G5 पर। प्रोड्यूस किया है जाने माने बैनर रेड चिलीज एंटरटेनमेंट्स ने। अब बात करें फिल्म के कलेक्शन को लेकर, हिट और फ्लॉप के वर्डिक्ट को लेकर, तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। आज इस फिल्म को रिलीज हुए 13 दिन कम्प्लीट हो चुके हैं और 14 दिन चल रहा है, तो बस जानेंगे फिल्म के 14 दिनों की कलेक्शन रिपोर्ट। आपको बता दूं लीडिंग में नजर आ रहे हैं बॉबी देओल, सानिया मल्होत्रा और विक्रांत मैसी। फिल्म काफ़ी अच्छी है, हर कोई इस फिल्म को पसंद कर रहा है। डायरेक्शन दिए शंकर रमन ने। इस फिल्म को हर तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है, क्योंकि इस फिल्म में इंडियन सिनेमा के बेहतरीन कलाकार नज़र आ रहे हैं। इतना ही नहीं, जो इस फिल्म में डेडली लुक है बॉबी देओल का, वो काफ़ी पसंद किया जा रहा है। काफ़ी हद तक अब बॉबी देओल को एक्चुअल में पसंद किया जाता है बतौर विलेन, और मुझे लग रहा है कि 90s का विलेन एक बार फिर से लौट के आया है। तो आपकी ओपिनियन क्या है चीज़ को लेकर कमेंट में बताइएगा। कलेक्शन की बात आती है तो ये फिल्म आज भी कलेक्शन कर रही है 1 से 1.5 करोड़ के आसपास मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा। बस क्योंकि डाउनवर्ड्स जा रहा है कलेक्शन डे बाय डे, और इसी के साथ जो कलेक्शन हो चुका है फिल्म का वो हो चुका है तकरीबन 41 करोड़ 20 लाख प्लस। जी हाँ, और वहीं जो उसका बजट है 30 करोड़ रुपये, इनकी इस फिल्म ने नॉर्मल से नॉर्मल 11 करोड़ का प्रॉफिट कर लिया है और वर्डिक्ट मिल रहा है हिट का।